राजनगर के छापीहेड़ा सरकारी अस्पताल में बीते महीने से कुत्तों के काटने पर लगाए जाने वाले एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं है। इस वजह से जब भी किसी व्यक्ति को आवारा या पागल कुत्ता काट लेता है तो उसे अपने इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे हालात में मरीज को इलाज करवाने के लिए अन्य निजी अस्पताल में पहुंचना पड़ रहा है। मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छापीहेड़ा का है, जिसमें कई महीने से कुत्ते द्वारा काटे जाने पर मरीज को लगाया जाने वाला एंटी रेबीज इंजेक्शन ही उपलब्ध नहीं है। इस तरह के कई मामले अस्पताल में सामने आ रहे हैं, इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इस मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी छापीहेड़ा के डॉक्टर मोहित गुप्ता का कहना है कि पिछली बार जिला अस्पताल से एंटी रेबीज इंजेक्शन 50 मंगवाए गए थे, जिनमें से जिला अस्पताल द्वारा 20 इंजेक्शन ही उपलब्ध कराए गए थे, जो कि कुछ दिनों में खत्म हो गए। एक बार फिर से जिला अस्पताल से 150 इंजेक्शन की मांग की गई है। अब देखते हैं कि कितने इंजेक्शन उपलब्ध हो पाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुत्ते के काटने के 20 इंजेक्शन आए थे जी 3/9/2020 को, जो कि काफी मात्रा में हमने लिखे थे पर मिले हमको काफी कम थे, जो कि पूरा महीना खत्म होने पर वो भी स्वतः ही खत्म हो गए हैं। मरीजों को जितने थे वो लगा दिए गए हैं, बाकी अब इंजेक्शन के लिए वापस इंटेंड कर दिया गया है। जितना हम इंटेंड में डिमांड करते हैं उतना हमको मिल नहीं पाता है। पिछली बार हमने 50 इंजेक्शन की डिमांड करी थी तो हमें 20 ही मिले थे, इस बार हमने 150 इंजेक्शन की डिमांड करी है जी। देखो स्टोर से कितने प्राप्त होते हैं।